आज हम लोग देख रहे हैं कि हीट ट्रांसफर अब ध्यान देना हीट टर्म कहते हैं हीट तो अब ये क्या है इट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन डे टू डे के लैंग्वेज में हम कई बार बोल देते हैं यहाँ ज्यादा हीट है यहाँ कम हीट है कहीं पर जमा एनर्जी को ही नहीं बोलते फिजिक्स के लैंग्वेज फिजिक्स के लैंग्वेज में हमें ध्यान रखना है जो ट्रांजिशन में होता है दैट इज ही तो ट्रांजिशन कहाँ कहाँ देख सकते हैं हम लोग टेम्परेचर चेंज हो रहा हो सॉलिड में हाँ लिक्विड में गैस में या गैस में जिसे कॉमनली कह देते हैं फ्लूइड और वैक्यूम अब इन में जो हीट जाएगा तो इनके टेक्निक जो हैं उनका नाम देखना ये रखा आपने नाम कंडक्शन ये आपने नाम रखा कन्वेक्शन और ये रखा रेडिएशन मैं फिर से नाम लिख रहा हूं कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन ये तीन तरीके हैं हीट के ट्रांसफर के समय और रेडिएशन जो है रेडिएशन के बारे में एक लाइन इंपॉर्टेंट है क्या लिखते हैं रेडिएशन के लिए इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ये स्पीड ऑफ लाइट से आप देखते हैं रेडिएशन चलता है रेडिएशन का ही एक छोटा सा टुकड़ा है लाइट रेडिएशन है एक्सरे गामा रे अल्ट्रावायलेट माइक्रोवेव रेडियोवेव इंफ्रारेड वो सारे हैं रेडिएशन और रेडिएशन एक छोटा सा पार्ट गिव्स यू जो है बन गया फिनला वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो एंड रेड तो ये जो है वो एक छोटा सा पार्ट है रेडिएशन का तो सन तक सन से अर्थ तक रेडिएशन 8 मिनट के आसपास हमें आ जा रही है तो सोचो ना कितना तेज मोड है हीट के ट्रांसफर yes, sir. अब सोचो लिक्विड जो है या गैस इनकी खासियत है कि इनमें मॉलिक्यूल में फ्रीडम है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं लेकिन सॉलिड में ये फ्रीडम मॉलिक्यूलों के पास नहीं है मॉलिक्यूल अपनी जगह केवल चेंज कर सकते हैं वाइब्रेट कर सकते हैं वाइब्रेशन का उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है लेकिन वो जगह छोड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो वो तो सॉलिड कहलाएगा ही नहीं फिर तो वो लिक्विड है तो कंडक्शन में हीट जब जाएगा एक जगह से दूसरे जगह हायर टेम्परेचर जोन से लोअर टेम्परेचर जोन में तो उसमें मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे और वो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और कन्वेक्शन में क्या होता है कि एक लेयर जहां का टेम्परेचर बढ़ गया वहां टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन होने से वहां डेंसिटी कम हो जाए हल्के हो दूसरे जगह होने पर उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं ना कन्वेक्शन मॉलिक्यूल जहां खुद हीट लेके एक जगह से दूसरे जगह तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कन्वेक्शन और रेडिएशन में मॉलिक्यूलों की हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कोई आवश्यकता है ही नहीं है ना ही ऑसिलेशन की ना ही वो मूवमेंट के बल्क मूवमेंट की क्यों
क्योंकि ये तो वैक्यूम में भी ट्रांजिट करता है, सोचो ना, अर्थ पर नाम से जो जा रही है रेडिएशन, तो रास्ते में तो वैक्यूम है बहुत जगह, तो वैक्यूम में ट्रेवल कर पा रही है, मतलब वहां उसकी मॉलिक्यूल की नीड नहीं है, रेडिएशन है ईएम वेव। रेडिएशन को आप कह दे सकते हैं इट इज ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में भी रह सकता है, उन्हीं से ये बना होता है। आईआईटी का आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें रेडिएशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसको कहते हैं हम लोग 7-star फॉर्मूला टॉपिक। और कन्वेक्शन पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये तो बस ऐसे ही। और कंडक्शन जो है, ये कंडक्शन में आप चार्ज का कंडक्शन जैसे पढ़ते हैं वैसे ही हीट का कंडक्शन है, तो सिमिलर होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर आप 3 महीना पढ़ते हो और कंडक्शन आप 3 दिन पढ़ते हो, तो इसका मतलब है कंडक्शन के कंसेप्ट तो पूछे जाते हैं लेकिन करंट में ज्यादा वो पूछे जाते हैं। तो हम लोग तीनों को थोड़ा थोड़ा टाइम दे, पहला देखते हैं। पहला जब हम बात करते हैं कन्वेक्शन, ध्यान से देखिए, छोटा सा आइडिया, एक बर्तन में चाय बनाने के लिए पानी रखा गया, नीचे से हमने हीट प्रोवाइड किया, तो जब हीट प्रोवाइड किया तो सबसे पहले कौन से लेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा? नीचे वाले लेयर का। नीचे का टेम्परेचर यदि बढ़ गया तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ गया एक्सपेंशन के कारण, थर्मल एक्सपेंशन, तो डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। सोचो नीचे वाले लेयर का यदि डेंसिटी कम हो गया मतलब वो हल्के फील करेंगे ग्रेविटी में, ये ऊपर भागने की कोशिश शुरू कर देता है, और ऊपर वाले लेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर अभी कम है तो उनकी डेंसिटी ज्यादा है, नीचे आने लगे हैं। ये जो घटना दिखता है इनके लिए टर्म ऐसे बनाते वक्त पानी को देखना पतीले में ऐसे ही नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाता दिखेगा, ऐसा जो एक सर्किल जैसा करंट का बन रहा है इसे कहते हैं कन्वेक्शन करंट। ये क्या है? कन्वेक्शन करंट है। तो आप इसका बेसिक आइडिया तो मिल गया, इनमें मॉलिक्यूलों का बल्क मूवमेंट हो रहा है। अब एग्जांपल आपसे पूछा है या समझ में आ गया तो आप ये बताते हैं कि यदि ऐसा एक ट्यूब हो जिस ट्यूब में इस कॉर्नर पे हम हीट करते हैं और इसमें लिक्विड भरा हुआ है और ये वर्टिकल प्लेन में है ग्रेविटी ऐसे, मुझे सोच के जवाब दीजिए, यदि ऐसे हम हीट करें, ऐसे हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल मूवमेंट शुरू करेगा, पाइप में मॉलिक्यूल का मूवमेंट, ट्यूब में मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्लॉकवाइज होने के चांस जाते हैं कन्वेक्शन के या एंटी क्लॉकवाइज? सर बालक इतना क्यों सोच रहे हो? ये सब कुछ इवन ही तो है, अगर सारे एरिया वेरिया तो फिर तो सेम ही है चांसेस हर जगह से, कहीं से भी जाए। अच्छा मुझे ये बताओ पहले कौन से लेयर गर्म होंगे? नीचे वाला जहाँ हीट दिया, जहाँ हीट दिया, ये मैंने कहाँ पर हीट दिया है ध्यान रखना, इस किनारे लेफ्ट कॉर्नर पे हीट दिया है, कहाँ पर हीट किया है? लेफ्ट कॉर्नर पे, पूरे पे नहीं। अब लेफ्ट कॉर्नर पे हीट किया है तो ये जो लिक्विड के लेवल लेयर है, ये लिक्विड का लेयर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन, डेंसिटी घटेगी, हल्के हो जाएंगे, तो हल्के होने के बाद ये जो मॉलिक्यूल थे हल्के होने के बाद हल्का हो गया, हल्के होने पर क्या ये नीचे भागता है या लेफ्ट भागता है या राइट भागता है या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा सर, तो एंटी क्लॉक ऊपर जाएगा,
यदि ऊपर जाएगा तो कैसा सर्किल, कैसा सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करता दिखेगा कन्वेक्शन का? क्लॉक। तो यहाँ कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनो, ज्योग्राफी पढ़ाया जाता था किसी 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ा होगा, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का कंसेप्ट। होता क्या है कि ऐसे किसी शहर में जो समुद्र के किनारे हो, सी शोर पे हो, सूरज भगवान सुबह सुबह आते हैं आसमान में, तो जमीन और पानी में, पहले जमीन गर्म हो गया, दोपहर होते होते पानी अभी और गर्म हो रहा है, तो जमीन गर्म हो गया तो उसके कांटेक्ट में जो एयर लेयर होंगे वो गर्म हो गए, गर्म हो गए तो एक्सपेंशन हुआ, उनके डेंसिटी कम हो गए, डेंसिटी कम हो गए तो वो हल्के हो गए, वो हल्के हो गए तो ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे तो वहां एक वैक्यूम या खाली जगह जैसा फील करो, ऊपर उठ गए तो वहां डेंस क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो पानी के सरफेस के पास जो एयर का लेयर है वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे शहर में जो कि समुद्र के किनारे हैं, दिन दोपहर के टाइम पर, दोपहर से उनके बीच में देखा क्या जाता है कि हवाएं चल रही होती हैं, कहां से कहां, पानी से जमीन वाले सतह की तरफ, शहर की तरफ। और जब रात हुई तो ठंडा होना शुरू हुआ, तो पहले गर्म हुआ जमीन, तो पहले जमीन या पत्थर गर्म हुए तो पहले वो ठंडा भी हो गया, पानी धीरे धीरे गर्म हुआ धीरे धीरे ठंडा होगा। अब पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है मतलब अभी पानी का टेम्परेचर ज्यादा है सपाट जमीन के सापेक्ष, मतलब लैंड वाटर सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वाटर सरफेस के ऊपर एयर के मॉलिक्यूल जो उसके कांटेक्ट में हैं, उनका टेम्परेचर ज्यादा होने से वो हल्के होकर ऊपर उठ जाएंगे। yes, और वहां लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, और जो 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 लैंड की तरफ से आना शुरू होगा वो ब्रिज पानी के सरफेस की तरफ, इसे कहेंगे लैंड ब्रिज। हवाएं जिधर से आती है वो नाम लिया जाता है, तो ये लैंड ब्रिज कहलाएंगे। था शाम के टाइम पे क्या हुआ था, पानी के सरफेस की तरफ से आता थे। ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज किसका एग्जांपल है, कन्वेक्शन का एग्जांपल। ध्यान से सुनो, कन्वेक्शन दो टाइप के हैं। जब हम एक कप चाय बनवाए अपने क्लास के लिए, मुझे निकलना था और चाय हाथ में आई, मैं जल्दी में था, चाय का टेम्परेचर ज्यादा है, हम जानते हैं चाय को यदि थोड़ी देर रखेंगे तो एयर के मॉलिक्यूल उसके कांटेक्ट में आएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा और वो हल्के होकर ऊपर जाएंगे और उस जगह पर फिर नए एयर के मॉलिक्यूल आएंगे, इस तरह धीरे धीरे चाय ठंडी होती जाएगी। ये हुआ नेचुरल कन्वेक्शन, नेचर जो है बस वही अपना काम कर रहा है। ग्रेविटी के अंतर्गत भारी और हल्के का सेंस होता है, और जो हल्के हो गए जिनकी डेंसिटी कम है वो ऊपर निकल लेते हैं, भारी वाले नीचे रहते हैं, वो अगल से अगल बगल इधर उधर हो लेते हैं, जहां लो प्रेशर जोन हो गया उधर शिफ्ट हो गए। चूंकि मैं जल्दी में हूं कि मुझे क्लास लेने के लिए देर ना हो जाए, तो मैंने क्या किया कि चाय को एक प्लेट में डाल दी। तो चाय को प्लेट में डाल देने से क्या फायदा हुआ, एक एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ गया। फील करो, तो इसका मतलब है कि कन्वेक्शन से हीट लॉस का जो रेट होता है एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बालक, ये मैं कन्वेक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी क्या पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये बताओ, कप में तेजी से ठंडा होगा चाय, ठंडी होगी चाय, या प्लेट में? एरिया बढ़ने से हीट के जाने का रेट बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया सर। हाँ, तो हीट के जाने का रेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फील करो इसे, और वो टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जाड़े के मौसम में एरिया ना भी बदलो, जाड़े और गर्मी में कंपेरिजन करो तो गर्मी में धीरे धीरे चाय ठंडी होगी
और जाड़े में तेजी से चाहे ठंडी होगी, अरे होगी कि नहीं होगी यार? यस सर। तो टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट लॉस का रेट। अब हमने जब प्लेट में डाल दी तो हमारा थोड़ा सा टाइम बचेगा, कुछ चाय जल्दी ठंडी होगी, मैं पी पाऊंगा। सोचो मैं और लेट हो रहा था, आखिरी हथियार मेरा क्या होगा? सर चाय छोड़ दो। नहीं नहीं यार, अभी चाय बनवाई, ऐसे थोड़े ना छोड़ देंगे, बताओ और क्या ऑप्शन। जैसे वो कप से कप में ट्रांसफर करते थे, वैसे कर लें, मतलब फेंट लें, और दूसरा ऑप्शन सोचो कुछ। अरे सर फूक मारो ना। हाँ फूक मारो सबसे पहले तो वही है। तो फूक मारते वक्त तुमने क्या किया, वाले उस इवेंट को फील करो। मतलब एक तो था कि मॉलिक्यूल हल्के होते, फिर वो ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर जाता, ये था नेचुरल कन्वेक्शन। लेकिन तुमने क्या कहा भाई, अरे छोड़ ग्रेविटी का भरोसा, तुझे तुझे तो मैं हटा रहा हूँ, भाग यहां से, दूसरे मॉलिक्यूल करने दे। तो इस कन्वेक्शन का नाम क्या रखें, क्या नेचुरल कन्वेक्शन रखें? नहीं सर, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन इसको कहते हैं। मतलब सर हीट कैसे जा रही है, जो जो सरफेस के ऊपर जस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो के वो हीट को लेकर उड़ जाते हैं। हाँ ये हुआ कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में भी दो टाइप हो गए, कौन से दो वो समझाओ मुझे। एक नेचुरल और एक फोर्स्ड। नेचुरल वाला कैसा होगा? ग्रेविटी की वजह से अपने आप ही भरोसे। हाँ। और फोर्स्ड वाला कैसा होगा? वो जो हम लोग आर्टिफिशियली खुद से जो लगाए मेथड्स। विद द हेल्प ऑफ फैन और मोटर, व्हेन वी इंक्रीज द रेट ऑफ कन्वेक्शन, देन दैट पर्टिकुलर वे is called forced convection। यदि हम कोई पंखा लगा दें या कोई मोटर लगा करके ये काम करें तो उस समय जो होगा कन्वेक्शन वो कहलाएगा forced convection। अच्छा ध्यान से सोचना, हिंदी मूवी में बड़ा ये डायलॉग फेमस है, मेरा खून खौल गया, और खून खौल गया तो मतलब गर्म हो गया, तो वो गर्म होके खून कहाँ चला जाएगा? गर्म होगा, हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे ऊपर की तरफ, सर में खून सवार हो गया मेरे। ये डायलॉग तुमने सुना। अब उस डायलॉग के बारे में फिर से विचार करते हैं। यदि ऐसा ह्यूमन बॉडी होता तो सारे गर्म खून कहाँ बैठे रहते, दिमाग में? लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि भगवान ने जब बॉडी बनाई तो उसने उसमें हर्ट एक पंप भी बनाया, जो पंप है वो फोर्सफुली हर एक जगह से ब्लड को लाता है एक जगह और वापस फिर धकेल के पहुंचा देता है। नेचर के भरोसे, ग्रेविटी के भरोसे नहीं छोड़ा गया वहां कन्वेक्शन। तो वहां कौन सा कन्वेक्शन दिखेगा हमें? फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हर्ट इन बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन इज a process of blood circulation is an example of forced convection। ठीक है, तो ये बस मूवी के डायलॉग में ही ठीक है कि सर पे खून सवार हो गया, और यदि हर्ट काम करना बंद कर दे तब सारे सारे सर पे खून जरूर सवार हो जाएगा, वो सारा गर्म खून नीचे से फिर ऊपर सर पे ही पहुंचेगा। तो ये हो गया कन्वेक्शन के दो टाइप, और कन्वेक्शन से जो हीट लॉस का रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया के और टेम्परेचर डिफरेंस। अरे किसके टेम्परेचर डिफरेंस? जो लिक्विड है और जो एटमॉस्फेयर है उनके टेम्परेचर डिफरेंस के। अच्छा ये बताओ, जाड़े के मौसम में नहाने का एकदम मूड नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ कि धूप अच्छी खिली थी और मन कर गया कि आज नहाएंगे, मान लो ऐसा हुआ, तो अब क्या करते हैं कि नहाएंगे, यदि विचार कर ही लिया तो देखा कि गीजर काम नहीं कर रहा है, तो फिर से मन बदला, नहीं यार आज छोड़ो दूसरे दिन नहाएंगे। फिर मन करता है, नहीं नहीं क्या हुआ, गीजर बंद है तो नेचर तो है ना साथ में, तो बाल्टी में पानी भर के उसको हमने क्या किया, धूप में रख दिया, फील करो उसे,
अब यदि पानी में बाल्टी में पानी भर के मैंने धूप में रखा इस तरह से कि केवल धूप पानी के ऊपर वाले सरफेस पे आ रही थी, अब और फील करो, अब क्या एक्सपेक्ट करते हो? मेरा नहाने का मन है, मैंने धूप में बाल्टी भर के पानी रख दी, पानी के सरफेस पे सनरेज आ रही है और मैं बगल में बैठ गया एक नॉवेल लेके चेयर पे आराम से कि आज तो नहाऊंगा लेकिन बस थोड़ी देर थोड़ा इसको एनर्जी ले लेने देता हूँ पानी, और मैं भी खुद ले लेता हूँ, जाड़े का मौसम है, धूप में बैठ के नॉवेल पढ़ रहे हैं, बगल में बाल्टी में पानी, फील करो, 10 मिनट बीता, आधे घंटे बीते, अब पानी को मैंने छू के देखा, तुम भी छू के देखो, तो क्या लगता है कि पानी गर्म हो गया होगा या नहीं गर्म हो गया होगा? थोड़ा सा सर ऊपर ऊपर का थोड़ा सा हो सकता है गर्म हो गया होगा, अंदर नीचे तो ठंडा ही होगा, ठंडा ही होगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है सर? क्योंकि सिर्फ ऊपर ही हीट पड़ रही है ना, नीचे तो जा ही नहीं रही है। क्यों ऊपर गर्म हो गया तो नीचे क्यों नहीं है जा रही है? ऊपर के मॉलिक्यूल हल्के हो जाएंगे तो फिर वो नीचे क्यों जाएंगे? एकदम सही। तो होता क्या है कि यदि किसी गांव में या इवन शहर में स्विमिंग पूल में धूप में गर्मी के मौसम में जाओ या जाड़े के मौसम में भी जाओ, यदि अच्छी धूप खिली हुई है तो छू के देखोगे तो ऊपर वाला पानी लगेगा, वाह यार नहाने में नहा सकता हूँ, अच्छा लगेगा। और जैसे ही कपड़ा खोल के पानी में कूदे तो समझो भीतर जाके मन आनंद आ जाएगा, क्योंकि भीतर में वो हीट नहीं जा रही, और यदि गई भी तो कन्वेक्शन के कारण तो कतई नहीं जाएगी। Yes, यदि हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर है पानी, तो उस गुड कंडक्टिंग कैपेबिलिटी के कारण हो सकता है थोड़ी सी हीट नीचे जाए, लेकिन लेकिन इसमें ऐसा भी कंडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है कि नीचे तक पानी गर्म हो जाए, तो थोड़ा सा एक लेयर ही गर्म हो पाएगा, नीचे ठंडा एज इट इज ठंडा ही रहेगा पानी। तो ये अब दिखने लगा कन्वेक्शन का असर। Yes, sir. अच्छा ये बताओ भारी और हल्का कब होगा? जब ग्रेविटी हो। हाँ सर। तुम अपने पलंग पे खड़े हो गए, कॉट पे, बेड पे, और तुम्हारे कमरे में एक हाथी का छोटा बच्चा आया जो बेड के बगल में है। तो तुम सोचो यदि ऐसा हुआ, कल्पना करो कि हाथी के पैर के नीचे अर्थ की ग्रेविटी गायब है, तो उस हाथी के बच्चे को कान पकड़ के उठा सकते हो या नहीं? हाँ सर, नॉर्मल रिएक्शन जीरो, तो आराम से उठा दूंगा। मतलब क्या उसमें मेहनत लगेगी? नहीं सर। नहीं। अच्छा वहां पर एक रुई का थैला रखा है, उसे भी उठा सकते हो। वहां पे एक लोहे का भरा बैग रखा है, उसे भी उठा सकते हो। कुछ भी उठा मतलब वहां हल्का और भारी का कोई सेंस नहीं रहेगा यदि ग्रेविटी का इफेक्ट गायब हो जाए तो। अब सोचो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में सुनते हो वेटलेसनेस का कंडीशन होता है। हाँ सर। हाँ हाँ, एस्ट्रोनॉट्स आराम से घूम घूम सकते हैं अंदर। हाँ ये सुनते हो, फिर लिफ्ट में जो है वो भी वेटलेसनेस का कंडीशन होता है। क्या सर? लिफ्ट की रस्सी यदि टूट गई लिफ्ट में है, 70th फ्लोर तक जाना है या बुर्ज खलीफा में जा रहे थे 100th फ्लोर तक, और लिफ्ट की रस्सी टूट गई, तब जो 98th फ्लोर से 0 फ्लोर की तरफ ग्राउंड फ्लोर की तरफ आएंगे फ्री फॉलिंग कंडीशन में, उस टाइम पे लिफ्ट के भीतर हमारा वेट मालूम मशीन तो मेरा वेट आएगा? नहीं आएगा सर, हम फ्री फॉल हो रहा होगा सब कुछ। हाँ, तो वेटलेसनेस का जहां कंडीशन होगा वहां पर यदि हम बाल्टी में पानी भर के रख लें और नीचे से गैस से गर्म करके वहां चाय बनाने की सोचें, तो क्या चाय बन पाएगी? पानी गर्म हो पाएगा पूरा? नहीं सर, ग्रेविटी नहीं है तो ऊपर नीचे जाएंगे ही नहीं मॉलिक्यूल्स। हाँ, क्योंकि हल्का भारी का सेंस खत्म हो गया, खत्म हो अब डेंसिटी कम हो भी ले कोई मतलब नहीं है। इसलिए नेचुरल कन्वेक्शन डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से ध्यान रखें। नेचुरल कन्वेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो ग्रेविटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और इतना कहानी सुनने के साथ कन्वेक्शन की कहानी खत्म। तो कन्वेक्शन का आइडिया एक फील तो बन गया ना दिमाग में इनके। यदि कुछ पूछता है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन एक है कि नेचुरल कन्वेक्शन डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, सन से जो रेज निकलती है तो अर्थ अपने ग्रेविटी के कारण उसे अपनी तरफ खींच लेती है?
या सन से चारों तरफ रेज निकल रही है, बीच में अर्थ है तो अर्थ पे भी पहुंच गई। क्या रेडिएशन भी ग्रेविटी से अफेक्ट होगा? और क्या नहीं सर, कंडक्शन भी ग्रेविटी से अफेक्ट होगा? सर रेडिएशन तो नहीं होगा, रेडिएशन तो वैक्यूम में भी होता है तो। अच्छा, एक रॉड को गैस पे, एक किनारा लोहे का रॉड लेके गैस पे, जलते गैस पे रख दो, और दूसरा किनारा हॉरिजॉन्टल रखो, या दूसरा किनारा वर्टिकल डाउन रखो, दोनों ही केस में रॉड के दूसरे सिरे तक हीट आएगा या नहीं आएगा? लोहे के रॉड ठीक करो, ले लो जो स्केल के साइज का रॉड, या दो स्केल मतलब 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर लंबा एक रॉड ले लो और एक सिरा तो आ जाएगा, तो क्या ग्रेविटी रोक लेगा नीचे कंडक्शन में हीट जाने से? तो नहीं रोक सकता वो। हाँ, तो ग्रेविटी के कारण ना तो कंडक्शन में सपोर्ट मिलता है, ना ही वो अपोज करता है। तो कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन में, कन्वेक्शन नेचुरल कन्वेक्शन ही ऐसा है ग्रेविटी से अफेक्ट, जो ग्रेविटी से अफेक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है, या वही केवल ग्रेविटी से अफेक्ट हो रहा है, और यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा शुरू हो रहा है कहानी, दूसरा टॉपिक हीट के लिए कंडक्शन की बात करते हैं। अच्छा, ध्यान देना, मेटल्स इन सॉलिड्स, और एक्सेप्शन है ये मरकरी। मरकरी में वो सॉलिड नहीं है, इसलिए ये सॉलिड के केस में एक्सेप्शन है, लेकिन वो मेटल है। अरे जानते हो ना? हाँ हाँ सर। तो मरकरी में क्या डोमिनेट करेगा, कंडक्शन कन्वेक्शन या रेडिएशन? मतलब कंडक्शन या कन्वेक्शन? मरकरी लिक्विड है, याद करो, लेकिन वो मेटल है, तो क्या डोमिनेट करेगा उसमें, उसकी मेटल वाली प्रॉपर्टी या उसका लिक्विड होना? सर कंडक्शन ही करेगा, इतना ज्यादा डेंस लिक्विड होता है उसमें कन्वेक्शन होता है, तो वो कंडक्शन ही उसमें डोमिनेट करता है। तो यदि हम एक्सेप्शन, क्योंकि हम कहते हैं कि कंडक्शन सॉलिड में होगा और एक एक्सेप्शन बोल देते हैं मरकरी, या हम कह देते हैं कंडक्शन मेटल में होगा, तो एक्सेप्शन नहीं है, मरकरी है। और इनमें एक रॉड लो, ये रूम में बहुत देर से रखा हुआ है, तो रूम में बहुत देर से रखा हुआ है और मेरे रूम का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो अभी एसी चला रहा हूं या मौसम ही अच्छा है, तो ये 24 मेंटेन्ड है। तो रॉड के हर एक सेक्शन का टेम्परेचर आपको क्या लगता है, 24 से कम या ज्यादा, या 24? सर इतना ही रहेगा। अब एक काम करो, ये एक तरफ बॉइलिंग वाटर है और एक तरफ आइस ब्लॉक्स है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन्ड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन्ड, और इन दोनों के बीच ये रॉड ला करके सेट कर दो। और 5 मिनट वेट कर लो, 5 मिनट के बाद बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे सेक्शन के टेम्परेचर क्या एक जैसे होंगे? नहीं सर। 24 डिग्री सेंटीग्रेड? नहीं सर। 6 वाले का कितना?
और उधर पानी में रखा हुआ है बहुत देर से, 100 डिग्री वाले, सौ चुका होगा 100 डिग्री, तो क्या बीच वाले सारे 24 पे ही रहेंगे? 24 24 24? नहीं सर, बदल जाएंगे। किधर ज्यादा किधर कम? सर 2 की तरफ ज्यादा हो जाएगा और 0 की तरफ कम होगा। हीट 100 से 0 की तरफ ट्रांसफर करेगी। अब होगा 70, कहीं होगा 50, कहीं होगा 40, कहीं होगा 25 और कहीं 0। क्या ये फील कर लिया? यस सर। अच्छा, ये जो टेम्परेचर तुम अभी फील कर रहे हो, उसके बाद क्या फील कर रहे हो? क्या हीट जा रहा है, बर्फ पिघलना शुरू हुआ या नहीं? अरे बर्फ पिघल रहा होगा या नहीं पिघल रहा होगा? सर हीट जा रहा है तो पिघलना चाहिए। तो कंडक्शन के लिए क्या जरूरी हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस डिफरेंट सेक्शन में। Yes, अच्छा sir. ये बताओ, 15 मिनट बीतने के बाद ये 75 डिग्री वाला क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बदल जाएगा या 200 पे हो जाएगा या 75 पे ही रहेगा? सर 75 पे ही रहेगा, बढ़ेगा क्यों? वहीं पर 100 है तो यहाँ पर ज्यादा कैसे हो सकता है? 75 ही बात है, शानदार जवाब। तो आप जब ये सिचुएशन सोच में कि जब हर एक सेक्शन का टेम्परेचर फिक्स है, ये कहलाता है स्टडी स्टेट। और जो भी रूल हम अप्लाई करते हैं वो स्टडी स्टेट में अप्लाई करते हैं। वहां हम करंट के लिए जब लिखेंगे करंट, हीट करंट, बताओ इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ रहा है? V by R. I equals to V by R. Yes, sir. उससे भी पहले यदि मैं बात करूं, I equals to dQ by dt. Yes, sir. I equals to V by R. Equals to rho L by A. या R equals to 1 by sigma L by A. ऐसा कुछ परिभाषा याद आया? Yes, sir. अब मैं इनके भैया को बुलाता हूं। हीट करंट H, एनर्जी फ्लो का रेट, हीट करंट H, थीटा बाय R। अब मुझे बताओ, जिस दिन तुमने भी आर सीखा पहली बार, कौन सा क्लास था? 12th, 8th, 9th, 10? पहले ही सीख लिया था तो 9th में, शायद 9th, 10th में। तो क्या क्या उस दिन तुम्हें डेल्टा भी बताया गया? नहीं सर, क्योंकि यदि उसी दिन डेल्टा बता दिया जाता उसी दिन तुम फिजिक्स छोड़ देते, टेंशन ही खत्म। तो डेल्टा का जानकारी नहीं दिया जाता उस दिन। उस दिन तो प्यार से बताया था, अरे अच्छा कुछ नहीं, वी भाई यार होता है, याद रख ले, काम खत्म। ये भी क्या है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? ये भी डिफरेंस है सर। अब समझदार हो, क्यों? क्योंकि अब तो तुम डेल्टा से डरते थोड़े ना हो। इसका मतलब वो उस समय क्लास 9th में भी वायर था, लेकिन क्लास 12th में ये क्या है? डेल्टा। वाह बहुत बढ़िया। तो अब क्लास 12th में जब हम 11th में जब देख रहे हैं हीट करंट थीटा वायर, तो क्लास 11th में इसे थीटा बाय आर लिखना ठीक है या डेल्टा थीटा बाय आर? डेल्टा थीटा बाय आर। बस मतलब जो रॉड लोगे उसके दोनों टर्मिनल के टेम्परेचर का डिफरेंस लो और उस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हीट करंट का वैल्यू जूल पर सेकंड। वो कूलम पर सेकंड था, ये जूल पर सेकंड। लेकिन यहां आर क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। आर क्या होगा? आर जो वहां है 1 by KL by A।
यदि ऐसा है आर, तब तो एल लेंथ होगा, सही सोचा, ए एरिया होगा, वाह वाह सही सोचा, और के सिग्मा होगा, सर ये सिग्मा ही मैं भूल गया, क्या था, वन बाय रो था, सर ये रो क्या था, रेजिस्टिविटी, सर ये सिग्मा क्या था, कंडक्टिविटी, यदि सिग्मा कंडक्टिविटी है तो के क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, यस सर, तो नाम याद रख लोगे, यस सर। अच्छा ये रॉड का प्रॉपर्टी है या रॉड के मटेरियल का प्रॉपर्टी होगा, मटेरियल का सर, शानदार जवाब। तो आज तुमने दोस्ती देखी इलेक्ट्रिक करंट का हीट करंट के साथ, और हमें पता है जो तुम्हारा पुराना दोस्त है वही रिलायबल है, इलेक्ट्रिक करंट में तुमने 3 महीने लगाए तो उसका फॉर्मूला ज्यादा याद रहता है, हीट करंट में तुम 3 मिनट लगाओ फॉर्मूला भूलोगे। यदि कभी गलती से भूल गए मान लेते हैं, तो तुम हीट करंट को इलेक्ट्रिक करंट मान के बनाते चलो, आंसर जो आएगा वही तुम्हारे काम का आंसर है, टिक मार। सर आप गलत रास्ते पे डाल रहे हो, अरे गलत सही कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर तुम्हारा कॉपी नहीं चेक करता है, तुमने आंसर क्या दिया वो एबीसीडी वो चेक करता है, धोखा दे दो उसे। इलेक्ट्रिक करंट जैसे सोचना था सर, इलेक्ट्रिक करंट में तो किरचॉफ्स रूल था जंक्शन का, इलेक्ट्रिक करंट में लूप रूल था सर, बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज आते थे सर, सीरीज पैरेलल के कांसेप्ट थे, कौन रोक रहा, पैरेलल से यूज करो, हीट करंट में भी यूज करो, सर मजाक मत करो, अरे मजाक का है का, देखो ना पहला सवाल देखो ध्यान से, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यस सर, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तीनों एक जैसे रॉड हैं, एक जैसे रॉड कहेंगे तो रेजिस्टेंस भी एक जैसा है, यस सर, जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, हो जाएगा सर नोडल एनालिसिस जैसे करते थे उसमें हम, 200 माइनस थीटा बाय आर, ओए होए शानदार जवाब, इक्वल्स टू 50 माइनस थीटा बाय आर, मतलब क्या लिख देंगे, एच इन बराबर एच आउट, आउट वाला किसको किसको मान लो, थीटा माइनस 50 बाय आर, थीटा माइनस 30 बाय, कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने ऐसे मान लिया एच वन एच टू एच थ्री, तो एच वन बराबर एच टू प्लस एच टू, तो हमें बहुत ज्यादा लफड़े नहीं पालने, अपने ऊपर भरोसा करना है कि मैंने बड़े अच्छे तरह इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया है और ज्यादा लफड़े नहीं पालने। देखो यहां ये है 3A, ये है A, ये है K और ये है 2K, यहां पर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और जंक्शन का टेम्परेचर हम ढूंढ रहे हैं, एग्जांपल तो मुझे लगता है क्लियर है, यस सर। अब ये सीरीज में कहलाएंगे या पैरेलल में ये पहले बता दो, इन दोनों से एक ही करंट गुजरेगा या अलग अलग करंट गुजरता है, एक ही सीरीज में है सर, हाँ सर, तो आप यदि एच वन एच टू नाम लेते हो तो सीरीज में एच वन और एच टू को क्या होना चाहिए, एड जाएंगे सर, हाँ। मतलब एक जैसा ऐड क्या हो जाएंगे, हीट जितना हाँ। पहले सेक्शन में रहेगा उतना ही उतना दूसरे सेक्शन में रहेगा, सेम हीट जाएगी दोनों में, तो 200 माइनस थीटा बाय आर वन इक्वल्स टू थीटा माइनस 40 बाय आर टू, सर बालक आगे बोलो, 200 माइनस थीटा बाय आर वन क्या लिखोगे, 1 बाय के एल बाय ए, एल मान लो एक जैसा दिया गया, हाँ सर, और दूसरा दिया ही गया होगा मैंने मिस किया, अब 1 बाय 2 के और दूसरा एल बाय 3 ए, काट पीट के भगाओ जो एक जैसे हैं, के ए कट गया एल कट गया सब कुछ, एल कट गया 200 माइनस थीटा हो गया 6 थीटा माइनस 240, यस सर, 7 थीटा इक्वल्स टू 440, थीटा इक्वल्स टू 440 बाय 7, यस सर,
63 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग में आ गया ये थीटा। अब मुझे बताओ कि इसके लिए मैं अलग से कुछ सीखूं या समझ में आ गया क्या करना है? समझ गया सर, ध्यान से देखो, रॉड है, उस रॉड को मोड़ के मैंने बना दिया है रिंग, यूनिफॉर्म रॉड है, और फिर मैंने क्या किया, एक जगह 200 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया, मत पूछना कैसे किया तो किया, और एक जगह जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने मेंटेन रखा है, मत पूछना कैसे, बताओ। तो तुम्हें यहाँ हीट क्लॉकवाइज घूमते दिख रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर, मतलब कि ये ऐसे जाएगा और ऐसे चला आएगा। हाँ सर। बालक, 200 से 50 गए वहां तक तो ठीक है, 50 से 200 पे कैसे आओगे? हाँ, क्या कहाँ सोच रहे हो, जल्दी बताओ कहाँ से कहाँ जाओगे? सर 200 से 50 ही जाएगा, लेकिन फिर दो रास्ते हो गए, फिर क्या? हाँ सर, थोड़ा सा अकल लगाना, ज्यादा मत लगा देना। अब मुझे बताओ किधर से ज्यादा हीट जा रहा होगा, H1 से या H2 से? सर जहाँ पे लेंथ ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर, तो हीट H1 ज्यादा हो जाएगा। तो तुम्हें ये तो दिमाग में आ ही गया रो एल वाई ए। हाँ सर। यदि इसका रेजिस्टेंस R कह लोगे तो ये भी R, ये भी R, ये भी R। अरे एक जैसे लेंथ हुए ना सर्किल के चार टुकड़े। हाँ हाँ सर। अब बताओ H1 कितना लिखोगे? 2πr/4 लेंथ हो जाएगी सर। रुक जा, 200 - 50/r। हाँ सर। और H2 कितना लिखोगे? 200 - 50/3r सीरीज में। क्यों 3r? सर जिस एक ही हीट जा रही है सब में। हाँ एक ही हीट तीनों में जा रही है, तो तीनों सीरीज में है तो बहुत बढ़िया। अब बताओ H1/H2 कितना आ गया, डिवाइड कर दिया तो 150/r/r और वैसे भी तो तुमने शुरू में क्या कहा था, हीट प्रोपोर्शनल इनवर्सली हो जाएगा लेंथ के। हाँ सर। तो H1/H2 होगा 3L/L, तो वैसे ही देख लो ना 3/1। फील आया या नहीं आया? अच्छा पिछला वाला तो समझ में आ गया ना, पिछले वाला के भरोसे। तो ये H1 लिख लेंगे, H2 लिख लेंगे, डिवाइड कर देंगे, कहानी खत्म। लेकिन मैं कहानी खत्म होने देने के मूड में नहीं हूँ। मुझे बताओ यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा स्टडी स्टेट, 200 से कम या ज्यादा? सर कम होगा। 50 से कम या ज्यादा? 50 से ज्यादा, 200 से कम, बीच में कहीं होगा सर। कितना होगा? सर वो लिख देंगे। यहाँ कौन आ रहा है? H1। हाँ सर। सॉरी H2। H2। और इधर से इधर भी कौन जा रहा है? H2। हाँ तो सर ये दोनों का लिख देंगे और फिर इक्वल से मतलब टोटल से इक्वेट कर देंगे। 200 - थीटा अपॉन r, और अलग क्या लिखोगे? थीटा - 50/2r। अरे देख लो आराम से, 200 - थीटा/r इक्वल्स टू थीटा - 50/2r। यस सर। तो थीटा भी निकालना सीख गए, लेकिन मैं क्वेश्चन खत्म करने के मूड में नहीं हूँ। मुझे ये थीटा डैश बताओ कितना होगा। कुछ तो बोलो सर। आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है सर आपकी थोड़ा सा। अच्छा एक सेकंड, मैं देखता हूँ। हाँ यार सिग्नल कभी भी करता है। चलो बताओ थीटा डैश कैसे निकालेंगे?
वही कर देंगे सर, दोनों में सेम हिट जाएगी तो वैसे जैसे अभी वाला के वैसे बोलो बोलो इक्वेशन बोलो 200 माइनस थीटा डैश बाय 2r इक्वल्स टू थीटा डैश माइनस 50 बाय r। अब इस तरह के गेम समझ में आ गया? यस सर। ये है r 2r 3r 6r 7r ये है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और तुम्हें यहां थीटा 1 बताना है और यहां थीटा 2 बताना है। सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया सर आपने, साफ अच्छा दिख गया। अच्छे बच्चे हो। अब बताओ थीटा 1 थीटा 2 में कौन बड़ा कौन छोटा? सर थर्मल रेजिस्टेंस सर ऊपर वाले की ज्यादा है तो ऊपर वाले की कम है तो वहां पे थीटा ज्यादा हो जाएगा, थीटा 1 बड़ा होगा। ये बेवकूफी तुमने कर दी थोड़ी सी। तुम ये बताओ जब व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया तो इसमें करंट कितना होगा? इसमें तो जाएगा ही नहीं। तो हीट करंट जीरो कब होगा? जब थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो। दिखा या नहीं दिखा? हाँ हाँ सर, मैं वो उसमें निकालने लग गया उस हिसाब से कि वहां पर आ रहे हैं थ्री आ रहे हैं। अरे तो मैं कौन सा कहता हूँ कि क्वेश्चन टफ है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखने का नजरिया बदल सकते हैं हम अपना, ठीक ना? मतलब यदि तुमसे कोई और दुखी करने के लिए पूछे कि भाई ये थीटा 3 बताओ, तो सोचो रॉड में हीट नहीं जाने का मतलब है हर एक सेक्शन का एक जैसा टेम्परेचर होना। टेम्परेचर यदि अलग होगा तो हीट जाएगा। yes, तो तुम कहोगे ये थीटा 3 भी इसी के बराबर होगा, थीटा 4 पूछ ले कोई तो थीटा 4 भी इसी के बराबर। यस सर, यस सर, समझ गए। और ये इलेक्ट्रिक करंट में भी समझ गए, वहां भी याद रखना ऊपर नीचे एक जैसा पोटेंशियल। यस सर। सीरियसली दिखा? अब बताओ थीटा 1 कितना होगा, उसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे? सर 400 माइनस थीटा 1 बाय आर इज इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस 20 बाय 2r। कैसे सोचा? दोनों में सेम हीट जाएगी सर। परफेक्ट, क्योंकि बीच वाले में कोई हीट जानी नहीं है। यस सर, वो सीरीज में ऊपर, नीचे वाला अलग सीरीज में। यहां पे ये जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये r, ये 3r, ये 6r और ये भी r। बताना है थीटा 1 और थीटा 2, फाइंड थीटा 1 थीटा 2। सर 6r वाले में हीट जाएगी नहीं क्योंकि वो ज्यादा रेजिस्टेंस है जैसे करंट में होता था। ध्यान से सुनो, करंट में भी जब यहाँ आता आई चार्ज के झुंड आते तो इधर 3 डंडा पड़ेगा और इधर 6 डंडा पड़ेगा, तो जब दोनों तरफ रेजिस्टेंस होता था तो जाएगा तो दोनों से, क्योंकि यदि सारे 3R से जाने लगेंगे तो वहां लंबी लाइन लग जाएगी। यस सर, यस सर। सोचेंगे कि भाई कम टाइम लगेगा, 6 डंडा खा लेंगे, उस रास्ते से चलते हैं, बड़े अकलमंद होते हैं चार्ज। तो इसका मतलब जाएगा तो दोनों से, लेकिन किसमें ज्यादा और किसमें कम? सर 3R में ज्यादा जाएगा। तो अब मुझे थीटा 1 चाहिए, तो थीटा 1 मैं कैसे लिखूं? एक लाइन के इक्वेशन से थीटा 1 निकालना सीख लो, शायद तुम्हें दिख जाए, और नहीं दिखे तो मैं हूं ही साथ में। तो पूछो सर कैसे सोचा आपने? थीटा 1 माइनस 0,
अरे बालक हो गया 6R × 3R / 6R + 3R सर बराबर 2R, हाँ और ये हाँ 2R और R कितना हो गया 3R, तो हाँ यहाँ से यहाँ तक हो अच्छा गया कितना ये क्या 3R। एक लाइन में आंसर नहीं दिख गया तुम्हें? हाँ हाँ समझ गया। हाँ वो सर पैरेलल तो मुझे दिख गया था पहले ही, मैं सोचा आपने जीरो कैसे लिख दिया। अब जल्दी बोलो θ2 लिखने का एक लाइन का इक्वेशन। ये आर ये टोटल 2R, तो वही 200 माइनस थीटा 2/3R और थीटा 2 -0/R शानदार सर जवाब। करंट की तरह सॉल्व हो जाएगा, तो समझ गया सर। यही तो अकल चलानी थी मुझे, कौन सा पूरा चैप्टर बताना था। मैं तो सोच रहा था एक बार तुम स्टार्ट हो जाओ और मैं स्टॉप। तो मेन आइडिया ये है कि तुम किसी नए चैप्टर में तो हो लेकिन स्टाइल अपना पुराना बनाए रखो। तो तुम कंफर्टेबली इस चैप्टर में बस रूल करना शुरू कर दोगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो ये रॉड है 1 मीटर का और यहां पर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं जानना चाहता हूं कि यहां यदि 20 सेंटीमीटर आगे आ जाएंगे तो इस सेक्शन में टेम्परेचर कितना होगा या थीटा कितना होगा। एक लाइन में उत्तर लिखना बताना है। सर क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही होगा तो कट जाएगा, जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। 100 - θ/20 बाय आर, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो सर और कुछ लेंथ लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 20 लिख देंगे सीधा। लिखने ही नहीं है तो लिखो ना 100 - θ/20λ हाँ और सर थीटा सिंपल माइनस पॉइंट, 10/80λ। यस सर हो गया है। सॉल्व यस कर लो, रिजल्ट आ गया। लैम्डा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सर कोई कंफ्यूजन? नो सर अब एक आता है ग्राफ, और ग्राफ आते ही स्लोप काम का होगा या एरिया या वाई एक्स रिलेशन। तो जनरली स्लोप के बारे में मैं सोचना चाहता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ऑफ हीट फ्लो, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ऑफ हीट फ्लो। ध्यान से देखो, इधर टी हाई इधर टी लो, ये एक्स 0 मान लिया, एक्स डिस्टेंस पर चले आए, यस यहां T1 और यहां T2 टेम्परेचर होगा, ये dx लेंथ है, सर ये है इसका। तो यहां जो हीट फ्लो होगा चूंकि सीरीज है तो जो यहां होगा वही यहां होगा और वही यहां भी होगा। तो सर हीट फ्लो का रेट उस छोटे सेक्शन में कैसे लिखेंगे? T1 - T2/dr माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो T2 - T1 / सर dr हो जाएगा 1/k dx/a। यस सर एल के बदले dx। ऊपर यस देखो सर कौन है, माइनस के तो न्यूमरेटर में चला गया और dt/dx, यस T2 सर माइनस T1 को dt लिखा, dx तो है ही, तो यस h का सर वैल्यू कितना आ गया, -ka dt/dx, यस सर या इसे लिखते हैं dt/dx = -h/ka। और dt/dx को हम कहते हैं स्लोप ऑफ tx ग्राफ।
और ये आ गया माइनस एच बाई के। अब ध्यान से देखो, एक रॉड है जिस रॉड में यहां है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रॉड का जो लेंथ दिख रहा है ना, वो लेंथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम ले रहे हैं और टेम्परेचर जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 100 डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमने देखे। तो इसका TX ग्राफ बनाना है अलग अलग सेक्शन पे। X डिस्टेंस पे जो T टेम्परेचर होगा तो ये TX का रिलेशन होगा ना कुछ। यस सर। उसका ग्राफ बनाना है हमें, बड़ा मन है आज बना के देखो। तो जब X 0 है तो टेम्परेचर कितना? 100 ऊपर से शुरू होगा सर। तो ऊपर से शुरू होगा। और X जब L हो गया तो टेम्परेचर कितना? 0। तो आने के रास्ते ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यस सर। तो मतलब TX जो यहाँ हमें दिख रहा है वो इनमें से कौन सा होना चाहिए और क्यों? सर अभी हमने स्लोप निकाली थी माइनस एच बाई के ए। जो स्लोप है हमें बहुत अच्छा याद है, माइनस एच बाई के। अब बताओ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और एच भी कांस्टेंट ही है तो 2 हो जाएगा। स्लोप क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्लोप कांस्टेंट का मतलब TX ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है सर। यदि ये समझ में आ गया तो अब फिर से देख लो कि यदि तुम्हारे सामने में ये रॉड होता, एक ये और एक ये, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आना है, ये एक्स और ये टी, ये के और ये 3 के। अब बताओ कैसा ग्राफ बनेगा? पहले वाले टुकड़े का कैसा बनेगा और दूसरे वाले टुकड़े का कैसा बनेगा? तो शुरू तो करोगे कहीं से सर। पहले स्लोप ज्यादा होगी फिर कम हो जाएगी सर। पहले स्लोप ज्यादा होगा और फिर एकदम से कम। हाँ। पसंद आ गया? यस सर। माइनस एच बाई के ए था तो मैग्नीट्यूड हम देख सकते हैं एच बाई के ए, और के जहां कम है वहां स्लोप ज्यादा। Yes, और ज्यादा स्लोप मतलब स्लाइड करने में ज्यादा मजा आएगा। स्लोप yes, को कैसे फील करो? बचपन वाला आइडिया। yes, स्लाइड करने में ज्यादा मजा, ज्यादा स्लोप। yes, स्लाइड करने में कम मजा, कम स्लोप। अच्छे बच्चे हो, तुमने तुरंत कैच किया। लेकिन अगले वाले का कुछ कहानी पकाओ। ये रॉड थोड़ा सा अजीब से शेप का है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक्स और टी। इनके ग्राफ के बारे में क्या तुक्का भेड़ने की सोच रहे हो? सेम ही बन जाएगा। क्या अकल लगा रहे हो? एरिया बढ़ते जा रहा है तो वही। क्या पहले एरिया कम है तो स्लोप के तो कांस्टेंट है, हीट भी कांस्टेंट ही जाएगी हर जगह से और कहां भागेगी। तो एरिया कम तो स्लोप ज्यादा, एरिया बढ़ जाएगा फिर स्लोप कम। तो क्या ऐसे 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 ले जाऊं या कंटिन्यूटी है एरिया में? सर अगर एरिया लीनियरली बढ़ रहा है तो फिर सीधी लाइन ही जाएगी सर। मतलब हाँ स्लोप, यार स्लोप कंटिन्यूटी रहेगी। कंटिन्यूटी कंटिन्यूअसली एरिया बढ़ा है तो कंटिन्यूअसली स्लोप घटेगा। समझ गया सर। फील किया? उसमें झटके से बढ़ा था। लेकिन यदि ऐसा हो, हाँ यदि ऐसा हुआ तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड तब इनका बताओ सर। इसमें पहले स्लोप ज्यादा रहेगा, पहले स्लोप कम रहेगा उसके बाद बढ़ता जाएगा। तो यानी पहले स्लोप कम रहेगा, पहले पहले धीरे धीरे गिरेगा और फिर हाँ फिर एकदम से गिरेगा।
और ये ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा सर, फील करो क्योंकि यहाँ धीरे धीरे और फिर ये ज्यादा हुआ। Yes, समझ में आया या नहीं? हाँ सर समझ गया सर। ये जो सारे रॉड थे इसमें मैं ये मान रहा था हीट ऐसे आगे जा रही है, ऐसे रॉड को जनरली कहते हैं लैग्ड रॉड, मतलब ये कवर किया गया रहता है ऐसे मटेरियल से जिनसे हीट बाहर ना निकले। तो जब कुछ नहीं कहा जाए तो हम मान के चलते हैं लैग्ड रॉड होगा, कुछ नहीं कहा गया है तो, और बाय चांस ऐसा कह दे अनलैग्ड रॉड, तो अनलैग्ड रॉड का मतलब हीट आगे तो आएगा और कुछ बाहर भी निकल रहा है, इसलिए हीट फ्लो का रेट जो होता है वो क्या होता जाएगा, कम। यस सर। बढ़ेगा या कम होगा? कम, क्योंकि कुछ एनर्जी तो बाहर बाहर गया ना। यस सर। ये है अनलैग्ड, ये एक्सेप्शनल केस है तो इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, लेकिन एक नजर देखना जरूरी है, बनता है। अब मुझे बताओ इसके लिए क्या होना चाहिए? एक दो तीन सर, इसमें तो वैरी कर रहा है। स्लोप बोलो सर, माइनस एच बाई के, ए के और ए सब कांस्टेंट है पर एच वैरी कर रहा है, और एच बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो क्या लगता है कन्वेक्शन और कंडक्शन के साथ दोस्ती बनी अच्छी थोड़ी? हाँ हाँ सर बिल्कुल पक्का। हाँ सर तो मैं मुझे लग रहा है कि ये दोनों जो है ना, कन्वेक्शन छोटा टॉपिक था, कंडक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट से मैच कर रहा है, लेकिन कपड़ा फंस रहा है किसके साथ? रेडिएशन, जो कि मैंने कहा 7 स्टार। तो इलेक्ट्रिक करंट के बेस मानकर तुम कंडक्शन वाले हीट कंडक्शन के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। और रेडिएशन मैं फिर अगले लेक्चर में लेता हूँ, ठीक है? तुम एक काम करना, HC वर्मा का बुक 1 भी मंगवा लिए होगे और 2 भी। हाँ सर वो दोनों है। ठीक है, तो HC वर्मा के कंडक्शन वाले क्वेश्चन शुरू में है, उनमें कुछ में कैलकुलस अप्लाई हुआ है, पहले सॉल्व एग्जांपल में जाके उन्हें ढूंढना जहां कैलकुलस का एप्लीकेशन तुम्हें देखने को मिलेगा एक दो में। तो जब उससे थोड़ा सा टेंशन बढ़े तो उसकी मैं चर्चा कर दूंगा अलग से, लेकिन लेकिन बाद के सारे क्वेश्चन उसमें रेडिएशन इन्वॉल्व है, तो रेडिएशन वाला हम लोग जब पढ़ लेंगे तब HC वर्मा हम बनाएंगे, ठीक ना? तो मेरे हिसाब से एक बार तुम कंडक्शन वाला चैप्टर देखना, दो ही टुकड़े हैं कंडक्शन एंड रेडिएशन, तो कंडक्शन वाला तुम ट्राई कर लेना HC वर्मा, शुरू के 20 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। ठीक है सर, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।